हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम लोग सेवेंथ क्लास की मैथ्स में फ्रैक्शन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें कि आपको मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बता चुका हूं। अब सीधे हम एक्सरसाइज वन पर आते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज टू ए है इसकी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बाकी टू क्वेश्चन आप खुद करेंगे होमवर्क में, ठीक है। और एक है आपका 15/16। ठीक है, तो कंपेयर करने का मीनिंग क्या है? कंपेयर करने का मीनिंग ये है कि आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो देखिए, इसका एक तरीका तो ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लें, या फिर एक तरीका ये है कि आप इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लें। तो डिनोमिनेटर सेम करके सब तरीका मुझे बेस्ट लगता है, इसलिए मैं उसी तरीके से बताऊंगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो 12 को और 16 को आप कोई ऐसा नंबर इक्वल बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आप कोई ऐसा नंबर देखिए जो 12 और 16 दोनों की टेबल में आता हो। तो आपको अगर देखेंगे तो इसमें 48 नंबर ऐसा है जो 12 के टेबल में भी और 16 के टेबल में भी दोनों में आता है। तो देखिए, ये है आपका 11/12। तो 12 को 14 बनाने के लिए आपको 48 बनाने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15/16 है, 16 को आपको 48 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी भी नंबर से आप न्यूमरेटर में डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो उसी नंबर से न्यूमिरेटर में भी मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, ये हो गया आपका 44/48, ये हो गया आपका 45/48। अब देखिए, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब इन डिनोमिनेटर से कोई मीनिंग नहीं है, अब कोई मतलब नहीं है, ये सेम हो चुके हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे, इसलिए हम इनको छोड़ सकते हैं। अब आप सिर्फ न्यूमिरेटर पे फोकस करेंगे, जिसका न्यूमिरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी है, जिसका न्यूमिरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन कैसी है? बड़ी है। तो इसका न्यूमिरेटर बड़ा है, यानी ये वाली फ्रैक्शन कैसी है आपकी? बड़ी है। तो आप बोल सकते हैं कि 15/12 <15/16, यानी ये वाली फ्रैक्शन आपकी क्या है? बड़ी है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपको। तो असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? असेंड करता हुआ, यानी छोटे से बड़ा, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शन आपको दी है 5/4, 7/10, 11/15, 17/20। तो आपको इसमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है। तो उसके लिए आपको क्या कंपैरिजन ही करना पड़ेगा कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो इसके लिए वही तरीका एक है, आप डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। देखिए, इन सब के 5, 10, 15, 20, इन सब के टेबल्स में एक ऐसा नंबर है जो आता है 60 ऐसा नंबर है जो 5 के टेबल में भी, 10 के टेबल में भी, और 15 के टेबल में भी, और 20 के टेबल में भी आता है, ठीक है ना। तो देखिए, 4 और 5 को आपको 60 बनाना है, तो आप बोलेंगे सर 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये 60 बनेगा। तो ऊपर नीचे आपने 12 को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी टाइप से 7/10 है, तो इसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 60 होगा। 11/15 है, तो इसको 60 बनाने के लिए 4 से यहाँ पर और 4 से यहाँ पर। इसी टाइप से 17/20 है, 20 को 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर। तो ये देखिए कितना हो गया, 48/60, ये हो गया आपका 42/60, ये हो गया आपका 44/60, ये हो गया आपका 51/60। तो आपको इस तरीके से पता पड़ गया कि अब ये डिनोमिनेटर सेम होने पर अब जो फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी है, जिसका छोटा होगा वो छोटी है। तो सबसे बड़ा न्यूमिनेटर इसका है, यानी ये वाली फ्रैक्शन कैसी है? बड़ी है। उससे इससे छोटी कौन सी है? इससे छोटी है आपकी 48, ये वाली, फिर उससे छोटी ये, फिर सबसे छोटी ये। तो सबसे छोटी को आपको सबसे पहले लिखना है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में बोला गया है आपका।
तो असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या है कि आपको सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखना है पहले। सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा? ये वाला सेकंड नंबर वाला, यानी 7/10। 7/10 फिर उसके बाद है आपका 44/60, यानी ये वाला थर्ड वाला 11/15। और उसके बाद कौन सी? ये वाली यानी फर्स्ट वाली 4/5। और इसके बाद सबसे लास्ट में 17/20। तो लिख सकते हैं आप इस टाइप से सबसे बड़ा फ्रैक्शन। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। सीधे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है रीना गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल व्हाइल सोनल गॉट 4/5 पार्ट ऑफ एन ऑफ इट, हु गॉट द लार्जर पार्ट एंड वाई हाउ मच। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, आप खुद से करेंगे अपनी कॉपी में। बुक्स आपके पास हैं तो बुक्स में फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फाइंड द सम। देखिए फ्रैक्शन का सम आपको फाइंड करना है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लूंगा इसका, और वो क्वेश्चन है फिफ्थ। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 3:4/5 प्लस 2:3/10 प्लस 1:1/5 15। तो देखिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, उसके बाद इसको आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो आप लिखेंगे सर 5 3 15 प्लस 4 90/5 प्लस 10 2 20 प्लस 3 23/10 प्लस 15 1 15 और 1 16/15। देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब या तो आप इसका डिनोमिनेटर सेम करके कर सकते हैं, या फिर इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो मैं डिनोमिनेटर सेम करके कर रहा हूँ। देखिए सबके डिनोमिनेटर को इक्वल बना लो आप। तो कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आता हो 15 10 5? तो आप बोलेंगे सर इन तीनों के टेबल में 30 एक ऐसा नंबर है। देखिए आता तो 60 भी है, लेकिन आप छोटा लेंगे, जैसे कैलकुलेशन आपकी सिंपल रहे। 60 आप करेंगे तो भी आ जाएगा आंसर, सेम ही आएगा। ठीक है, तो आप इन सबको क्या बना लीजिए, 30 बना लीजिए। देखिए 90/5 है, इसको 30 बनाने के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 6 से। प्लस 23/10 है, इसको 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3 से। प्लस 16/15 है, इसको 30 बनाने के लिए यहाँ पे भी 2 से और यहाँ पे भी 2 से। तो आप देखेंगे कि 19/6 कितने हो गए, 114 हो गया ये। ठीक है भाई, सॉरी 30 प्लस 9 6 30 प्लस 32 30। अब आपको पता है जब डिनोमिनेटर इस टाइप से सेम होते हैं आपके, तो आप डिनोमिनेटर को सिर्फ एक पर लिखेंगे, और ऊपर जो नंबर है एज इट इज साइन के साथ आप उसको लिख देंगे 69 प्लस 32। देखिए डिनोमिनेटर को ऐसे एक बार लिखा क्योंकि तीनों में सेम था। ठीक है, अब ऊपर के नंबर देखिए साइन लिए मैंने, जो अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। अब इनको सबको ऐड कर लीजिए 2 9 11 4 15 कैरी 1 4 6 10 1 11 कैरी 1 और 2/30। अब इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं 5 से, तो 5 4 20 5 3 15 और 5 6 60। और इसको मिक्स्ड में आपको लिखना है अगर, तो 7:1/6 आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द डिफरेंस। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है आपका। अब इसमें डिफरेंस फाइंड करना है आपको, तो कोई भी एक क्वेश्चन नंबर ले लीजिए आप, जैसे कि मैंने ले लिया मान लीजिए 6। तो 6 में आपसे बोला है 2:5/9 माइनस 1:7/15। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 18 प्लस 5 23/9 माइनस 15 प्लस 7 22/15। अब आप इसके डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, मल्टीप्लाई एलसीएम लेके कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। तो देखिए इन सब के टेबल में 45 सेम है, तो इसको बना लीजिए आप 45। तो 9 को 45 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 से। माइनस 22/15 है, इसको 45 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 से। तो ये क्या हो गया आपका, देखिए 5 कैरी 1 11/55
माइनस जो हो गया आपका 6 6/45। अब डिनोमिनेटर से मैं इनको एक बार लिखेंगे 115 - 66। तो आप देखिए 15 - 6 - 9, ठीक है। इसके बाद आपका 10 - 6 = 4/40 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए बात करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।